हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ओल्ड टिप्स। आज के इस वीडियो में आपको इस वीडियो की एडिटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ कि इस वीडियो को कैसे बनाना है, लेकिन ये मैंने टिकटॉक की मदद से बनाया था कि इसको कैसे बनाना है। और ये वीडियो अलग है, ग्रीन स्क्रीन VFX वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप दिल में कैसे अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और आपको करना क्या है, सिर्फ एक फ़ोटो चाहिए आपको अपना, जिसका भी आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं उसका फ़ोटो चाहिए। और इस वीडियो को आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है, फिर उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको बीच वाला साइज सिलेक्ट करना है, ये वाला। और फिर उसके बाद आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और कोई सा भी एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है, आपको जो मन करे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, मीडिया में जाना है और जो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसे डाउनलोड कर लेना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करना है और इसे फुल साइज में कर देना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड थोड़ा सा कम है, तो इसको हम फुल वीडियो के अकॉर्डिंग कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा हो चुका है तो उसको हम कट कर देंगे। कैंची वाले ऑप्शन पर जाके ट्रिम टू राइट कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन है, देख सकते हैं आप हार्ट में, तो आपको जहाँ से ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट होता है वहाँ से अपना फ़ोटो लगाना है। लेकिन पहले हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, क्रोमा की में जाएंगे और इसको इनेबल कर देना है। और की कलर में ग्रीन कलर ही सिलेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन इफेक्ट आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसे हमें ठीक करने के लिए ये 50 वाला है इसको सेट कर देना है, 66 कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ोटो लगाना है इस हार्ट में, तो आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और मीडिया में जाना है और आपको एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, जिसका भी आप लगाना चाहते हो उसका फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको ये बहुत ही बड़ा है तो क्रॉप करना है, अगर करना चाहते तो कर सकते हैं। फिर आपको इस तरीके से क्रॉप कर लेना है जितना आप फ़ोटो दिखाना चाहते हैं। फिर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है। इससे आपका फ़ोटो पीछे चला जाएगा बैकग्राउंड में। फिर आपको इसे बड़ा कर लेना है, हार्ट में अच्छे से सेट कर देना है। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसे हम कट कर लेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और कैंची वाले ऑप्शन पे जाके ट्रिम टू राइट कर देना है। अब जहाँ पे ये हाथ आता है मैं, तो यहाँ पे हमें एक लेटर लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख ले। मैं, तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है साउंड के अकॉर्डिंग। फिर आपको लेयर पे जाके टेक्स्ट में जाना है और फिर आपको यहाँ पे कोई सा भी एक लेटर टाइप कर लेना है, तो मैं टाइप कर ले रही हूँ। आपको टाइप करने के बाद करना क्या है, आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। फिर आपको जहाँ पे ये अपना फर्स्ट हैंड उठाता है वहाँ पर आपको ये आना चाहिए लेटर। तो इसके बाद आपको कलर में जाना है, कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना है जो आपको पसंद हो। तो मैंने ये येलो कलर सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करना है और कोई सा भी एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ। फिर आपको इन एनिमेशन सेलेक्ट करना है, तो इन एनिमेशन में जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करना है आपको। फिर आप ये ड्रॉप वाला देख सकते हैं, ये वाला सेलेक्ट कर देंगे, टाइमिंग इतना ही रहना चाहिए। और फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा चलाना है, तो फिर यहाँ पे मैं, मेरा दिल और फिर तुम हो यहाँ, ये वाला आता है। जब दूसरा हैंड उठाएगा तो यहाँ पे आपको दूसरा लेटर टाइप करना है। तो हम इसको चला के अच्छे से देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। ये सेकंड हैंड यहाँ पे उठा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि चला के देखोगे तो यहाँ पे सेकंड हैंड इसका ऊपर आ रहा है, तो आपको यहीं पे सेकंड लेटर लिखना है, जैसे कि यहाँ पे तुम हो यहाँ। तो फिर यहाँ पे लेयर पे जाके टेक्स्ट पे जाना है और दूसरा लेटर कोई सा भी टाइप कर लेना है, तो मैं एग्जांपल के लिए बी टाइप कर ले रही हूँ। फिर आपको यहाँ पे ओके करना है, फिर आपको इसे थोड़ा सा बड़ा करना है और फिर जहाँ पे इसका हैंड आता है वहाँ पे आपको इसे सेट करना है। फिर आपको यहाँ पर कलर सेलेक्ट करना है, तो हम कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको जो पसंद हो सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर आपको क्या करना है, फॉन्ट सेलेक्ट करना है। पहले तो फॉन्ट सेलेक्ट करना है, तो हम फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब आपको करना क्या है, इसे यहाँ पे सेट करना है, जहाँ पे इसका सेकंड हैंड है वहाँ पर आपको सेट करना है। और फिर इसमें इन एनिमेशन सेलेक्ट करना है आपको, तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और फिर ड्रॉप वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यही वाला सेलेक्ट कर देना है, तो आपका ये वाला एनिमेशन सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ राइट वाले पे क्लिक कर देना है, फिर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक सेटिंग करना है, तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग वाले पे क्लिक करना है। और फिर आपको ये ऑडियो फेड आउट को बंद कर देना है, इससे लास्ट में आपका साउंड कम नहीं होगा। फिर इसको हम प्ले करके देख लेते हैं कैसा बना है वीडियो, तो ये साउंड के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, तो एकदम परफेक्ट वीडियो हमारा बन चुका है। लेटर थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, लेट से आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अब इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। मैं मेरा दिल और तुम हो यहाँ, एकदम परफेक्ट बना है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर आपको टेक्स्ट क्या करना है, टेक्स्ट को एक्स्ट्रा टेक्स्ट है तो इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर कैंची वाले ऑप्शन पे जाके इसे कट कर देंगे, और फिर इसको भी हमें कट कर देना है कैंची वाले ऑप्शन पे जाके। इसमें आपको साउंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साउंड इसमें ऑलरेडी है। अब आपको यहाँ शेयर और सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको एक्सपोर्ट कर लेना है और अपने टिकटॉक आईडी पे अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आप ये वाला वीडियो एडिट कर सकते हैं। वीडियो बनाना बहुत ही ईजी है और ये टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो ये सॉन्ग है मैं मेरा दिल और तुम हो यहाँ, ये वाला सॉन्ग है। और आपको क्या करना है, सिर्फ मैंने ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे ही रखा है, आपको सिर्फ डाउनलोड करके और एडिट कर लेना है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर बनाएं और टिकटॉक आईडी पे अपलोड करें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।